गाइस अगर मैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब है आपका फोटोसिंथेसिस केमोसिंथेसिस। इसका मतलब है प्लांट बॉडी कैन मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो इनके अंदर क्या मौजूद है, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। अगर इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है तो ये अपना खाना खुद पका सकते हैं। अगर मैं इसी पार्ट को लेके आगे चलूं तो द प्रोसेस बाय विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द ग्रीन प्लांट्स आर कन्वर्टेड इन द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ ना, फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ एनर्जी फॉर फूड कम्स फ्रॉम सनलाइट। मैंने इक्वेशन का पार्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। मैंने लिखा है 6CO2 12H2O लाइट क्लोरोफिल ग्लूकोज वाटर ऑक्सीजन, जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसीड्योर है। मैंने बोर्ड पे वही लिखा है। इस फोटोसिंथेसिस के लिए, या इतना मतलब है प्लांट को अपना खाना खुद बनाने के लिए, प्लांट को अपना खाना खुद बनाने के लिए ये प्रोसीड्योर के अनुसार जाना पड़ता है। अगर ये प्रोसीड्योर के अनुसार जाना पड़ता है तो इस प्रोसीड्योर में मेरा तीन रॉ मटेरियल लगेंगे, CO2, H2O, लाइट। इस तीन रॉ मटेरियल के माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे या हमारे ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेंगे। प्लांट बॉडी में ग्लूकोज हो जाएगा स्टार्च, या ऐसे बोल सकते हैं इसको सेलुलोज। तो स्टार्च या सेलुलोज में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है या हमारा जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होगा। तो इसी पार्ट को लेके हम लोग आगे बढ़े तो बायोकेमिकल प्रोसेस जिसके माध्यम से प्लांट अपना खाना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओन फूड मतलब है ग्लूकोज यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज रॉ मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ऑक्सीजन उसका बाई प्रोडक्ट निकलेगा फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट निकलेगा ऑक्सीजन, जो यहां पे निकला हुआ है। अब ये ऑक्सीजन निकलने का जो प्रोसीड्योर है उसको मैंने मैकेनिज्म का रूप दिया है, उसे मैंने मैकेनिज्म का रूप दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। लाइट सर्व कर रहा है एज ए एनर्जी। अगर लाइट सर्व कर रहा है एज ए एनर्जी तो इस लाइट का कैपेसिटी हम लोग P680 फोटोन और P700 फोटोन उसके माध्यम से होगा। तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि सर P680 और P700 आप क्यों लिखे, क्या ताल्लुकात है। P680 फोटोन का पार्ट है, जो फोटोन में 680 वेवलेंथ कैरी करता है वही लाइट आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए लगेगा। अगर मैं इस पार्ट को आगे लेके जाता हूं तो इसके साथ मेरा RUBP और NADPH ये दोनों प्रोडक्शन होगा। अब ये दोनों का पार्ट में अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा किस तरीके से ये RUBP राइबोज और ये जो निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे हाइड्रेट भी है, H है। तो ये पार्ट कैसे आ रहा है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा आगे चल के देखते हैं। मैकेनिज्म में मैंने क्या कहा है ना, कैप्चरिंग लाइट। ये कैप्चरिंग लाइट पे आने से पहले मैं कुछ चीजों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। क्या ना, ग्रीन प्लांट के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो गैसियस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम है स्टोमाटा। स्टोमाटा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को लीफ और एटमोस्फेयर के बीच। जब लाइट इंटेंसिटी ग्रेटर होता है तो CO2 कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू स्टोमाटा ऑफ लीव्स फ्रॉम द एटमोस्फेयर। तो ऑटोमेटिकली लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। इन फोटोसिंथेसिस
लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी. सो यू नीड टू कीप इन योर माइंड अबाउट दिस. तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. Artificial light is also effective in photosynthesis, but this light should be required intensity. So intensity रहना चाहिए. तो intensity अगर नहीं होगा तो बात नहीं बने. तो rate of photosynthesis जो है वो effect करते हैं quality as well as quantity से. तो intensity और duration दोनों important factor है light के लिए. Chlorophyll क्या है? ना एक pigment है जो photosynthesis में इस्तेमाल होते हैं. क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो हमें प्लांट में मिलते हैं और ये नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो प्लास्टिड का पार्ट याद कीजिए. अगर आपको प्लास्टिड का पार्ट याद है तो हम लोग जब क्लास 9 चैप्टर 1 में बायोलॉजी का क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल या लिथोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट पढ़े थे जो कि प्लास्टिड का पार्ट था. उसी क्लोरोफिल सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? सब दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं भाई. तो स्टार्टिंग से क्लास करोगे नहीं तो यही होगा. क्या वो लकी क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो कुछ हाईफाई नहीं बताया लकी. दो चार पॉइंट लेके बात किए हैं लकी. देख सर वो क्लास नहीं कर रही थी शुरू से लकी. अगर सीरियसली सुनेगी तो चीजों को समझेगी. हमारा प्लान का न्यूट्रिशन सारा जिम्मेदारी ऑटोट्रोपिक में है. ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या वो लकी कि जो खाना अपना खुद बना सकती है, ये अपना खाना खुद बना सकती है. इसका मतलब हुआ आइदर ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो खाना बनाएगा, नहीं तो केमोसिंथेसिस के माध्यम से बनाएगा. तो जितने भी प्लांट बॉडी है मैं उनको फोटोसिंथेसिस में बात करूंगा. फोटोसिंथेसिस के सर फोटोसिंथेटिक तो समझ गए कौन सा, और उसके साथ जो आप दिए केमोसिंथेसिस वो केमोसिंथेसिस में आया ही नहीं हो बाबू. केमोसिंथेसिस में मुझे दो तीन क्लास चाहिए. आपका प्लान न्यूट्रिशन का 5 क्लास किया है मैंने. आपके प्लान न्यूट्रिशन का 5 क्लास किया है इस पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक के लिए. तो मैं मेरे को कम से कम आप 2-3 क्लास दीजिए, मैं तब आपको एक लेवलाइजेशन पॉइंट पे पहुंचा पाऊंगा. अगर ये पार्ट आप समझ गए हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसका मतलब है ये मेरे दो रॉ मटेरियल है. इस रॉ मटेरियल के ऊपर जब लाइट एनर्जी गिर रहा है तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में. सर एक और मेरा क्वेश्चन है. हाँ बोल सर. लाइट को हम लोग रॉ मटेरियल क्यों नहीं लेते फोटोसिंथेटिक के लिए? एक्चुअली मैं रॉ मटेरियल में लाइट को लेकर चल रहा हूँ. मैं रॉ मटेरियल में देख मेरा लाइट लिखा हुआ है. अब बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे नहीं रॉ मटेरियल में लाइट को नहीं लेंगे, मगर रॉ मटेरियल में मैं लाइट को लेता क्योंकि लाइट का लाइट कैसे आएगा रॉ मटेरियल मैटर करता है. इंटेंसिटी मतलब है वेवलेंथ. लाइट का कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है जिस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस ग्रेटर होता है या रिड्यूस होता है. तो इसका मतलब वो है कि द लाइट इंटेंसिटी एक मैटर कर रहा है फोटोसिंथेसिस के रेट में. फोटोसिंथेसिस के रेट में लाइट एनर्जी मैटर कर रहा है. ये फोटोसिंथेसिस हो कहां से रहा है? आपके लीफ में जो स्टोमाटा है क्लास 9 प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां पे हम लोगों ने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़े थे, वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस घूम के यहां पे आ रहे हैं. क्योंकि अगर आपको फोटोसिंथेसिस समझना है तो लीफ के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर है उसका नाम है स्टोमाटा. उस स्टोमाटा किससे बना हुआ है? गार्ड सेल से बना हुआ है. अगर स्टोमाटा हमारा गार्ड सेल से बना हुआ है तो आपको एक अंदाज करना पड़ेगा कि ये गार्ड सेल मेसोफिल सेल से बना हुआ है. इसका ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ये डिपेंड करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के ऊपर. तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमोस्फियर से प्लांट अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा. वेयरएज वाटर रूट सोक के ऊपर भेज रहे हैं. अगर हम लोग फ्लोएम के बारे में एक बार सोचेंगे तो जाइलेम और फ्लोएम हमारे दो पार्ट हैं. तो हमारे जाइलेम और फ्लोएम दो पार्ट हैं. जाइलेम का काम क्या होता है ना? जाइलेम का काम होता है आपके वाटर को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना. जब जाइलेम ऊपर की तरफ वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा वो ऊपर की तरफ पहुंचेगा और फोटोसिंथेसिस में पार्ट होगा. जब ये ग्लूकोज
बन जाएगा, या मैं एक तरीके से कह सकता हूं स्टार्च या सेलुलोज बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये फ्लोएम के माध्यम से बाकी रूट्स के या बाकी प्लांट्स बॉडी में पहुंचेंगे। तो स्टोमाटा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब उस लीफ के अंदर स्टोमाटा है, स्टोमाटा के पार में आपका क्लोरोफिल मौजूद है। हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर कभी भी हम लोग बोलेंगे दैट विल बी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत आपके क्या होते हैं ना, एक पिगमेंट होते हैं। ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनल्स में जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोरिसेप्टर है। फोटोरिसेप्टर के बारे में अभी मैं बोलूंगा तो समझ नहीं पाएगी, जब हम लोग चैप्टर 2 कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे दैट टाइम फोटोरिसेप्टर्स, ऑफ्लोरिसेप्टर्स, जियोरिसेप्टर्स, बहुत सारे रिसेप्टर्स होंगे जो आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप जानिए कि फोटोरिसेप्टर्स का मतलब है जो राइट लाइट को रिसीव करते हैं, जो लाइट को रिसीव करते हैं, लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, दैट इज द फोटोरिसेप्टर्स। अब क्लोरोप्लास्ट को हम लोग ऑलरेडी बोल दिया है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्लोरोप्लास्ट कहां रहते हैं, ग्रीन लीव्स के अंदर रहते हैं, और इसी कारण से लीव्स को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन। ऑलरेडी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि विच इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन ऑफ ए प्लांट। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन का अगर हम लोग बात करेंगे दैट विल बी नो अदर देन दैट लीव्स। क्लोरोप्लास्ट जो कि मेसोफिल सेल के अंदर में पाए जाते हैं, ये ग्रीन कलर प्लांट्स में होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल रहते हैं। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। Sunlight is absorbed by the chlorophyll by using this energy, carbon dioxide and water, and combined in the chloroplast with the help of the enzymes to yield sugar, in which readily converted into a storable form of food, and that is starch. Am I clear with it? Now the oxygen formed in the reaction. So oxygen formed in the reaction. Oxygen is forming in this reaction and diffuses out of the cell. Sir, oxygen किसके साथ reaction कर रहा है? Stomata. अब ये mechanism का पार्ट अगर हम लोग बोलेंगे, पहला पार्ट में क्या हो रहा है? The capturing of light energy from the sunlight by chlorophyll. Chlorophyll light energy को capture कर रहा है. जैसे chlorophyll light energy को capture करेगा, तो leaf is the principal site of photosynthesis. Sunlight is absorbed by chlorophyll of mesophyll tissue of leaf. Now, transformation of light energy into chemical energy and splitting up of the water into hydrogen and oxygen. So, water is transported into the mesophyll tissue by osmosis. So, osmosis process ke madhyam se water transport hua kahan? Mesophyll tissue ke andar. Carbon dioxide diffuses in from the atmosphere, carbon dioxide under ghus gaya stomata ke madhyam se. Now reduction of carbon dioxide by hydrogen ions to form the glucose by utilizing the chemical energy. Now the hydrogen ions are produced by the photolysis of water. Photolysis of water, that means hydrogen, this H2O, this H2O is broken down into H plus and O2. So by using the light energy from sunlight, carbon dioxide and water is combined. तो अगर हिंदी में बात करें तो light energy के माध्यम, light energy जो sunlight से मिल रहा है, carbon dioxide और water combine कर रहे हैं chloroplast के अंदर. क्यों? To form a sugar. It is readily converted into a storable form that is called starch. Now oxygen is given out. The oxygen evolved in the process is given out in the atmosphere through stomata.
So the overall reaction would be this one. Now these steps take place at different intervals of time, because carbon dioxide is taken up by the desert plants at night and form an intermediate product, which is acted upon by the light energy absorbed by the chlorophyll during the day. So the glucose, which is not used by the plant, immediately converted into the starch, and they are stored in the plant tissue. Am I clear, students? Students, photosynthesis ka jo part maine aapko bola, ye clear hua? Yes, sir. Yes, halka halka. थोड़ा बहुत ट्राई किए हैं आप लोगों को समझाने।